लास वेगास में होने वाले इवेंट में सादी के सामने जो भी आया उसको खाक चाटना पड़ी। पाकिस्तानी कराटिका ने टाइटल के लिए अमरीकी, ग्वाटेमाला, यूनान और इक्वाडोर के कराटिकास को शिकस्त दी। इवेंट के फाइनल में टाइटल के लिए उनका जबरदस्त मुकाबला मेजबान मुल्क के हेनरी से हुआ, जिसके खिलाफ उन्होंने 4-2 से कामयाबी हासिल की। अपनी इस कामयाबी पर समा से बात करते हुए सादी अब्बास जिलानी ने मजीद एजाजात के हुसूल को अपना टारगेट करार दिया। अगला टारगेट मेरा इंशाल्लाह एशियन गेम्स है जो कोरिया में हो रहे हैं, और उसके राइट आफ्टर 3 वीक्स हमारी वर्ल्ड चैंपियनशिप भी आ रही है। तो पाकिस्तान के लिए मैंने सारे टाइटल जीत लिए और अभी सिर्फ वर्ल्ड चैंपियनशिप रहता है, तो ये दोनों मेरे इंशाल्लाह मेन टारगेट पे हैं और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा इसमें पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल ले सकूं। पाकिस्तानी कराटेका 2010 और 2013 की कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप्स में भी गोल्ड मेडल्स जीत चुके हैं। चीन में होने वाली एशियन कराटे चैंपियनशिप में तलाई तमगा अपने नाम करने की वजह से वो जनूबी एशिया के वाहिद कराटेका हैं जिसने ये मेडल अपने सीने पर सजाया है।